ये उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है और ये ब्लैक जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, ब्लैक गाड़ी जो नजर आ रही है, इस गाड़ी में ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से अमित शाह ने हाथ हिलाया है और कहीं ना कहीं इस तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है इस तरह से अमित शाह ने देर शाम ही सही लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंचे हुए हैं और तमाम ये अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो रहा है और बड़ी संख्या में उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से रिकॉर्ड होगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में। अब से थोड़ी देर बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनका आगमन होने जा रहा है। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। 6 बजे का कार्यक्रम था उनके आने का लेकिन 6 बजे वो नहीं पहुंच पाए, उनका कार्यक्रम डिले हुआ है। बताया ये जा रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं लिहाजा कुछ मौसम की तकनीकी कारण के वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये खबर कन्फर्म हो चुकी है कि अमित शाह झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम यानी अब थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं। वहाँ की तैयारियों का जायजा हम दिखाएंगे सीधे तौर पर के इसी होकर के जो अमित शाह हैं वो यहां से रवाना होंगे। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और तमाम अब देखेंगे कि जो अब ढोल नगाड़े की आवाज़ सुन पा रहे हैं वो तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या है जो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और तब लगातार आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तस्वीरों में अमित शाह की तस्वीर भी आपको नजर आएगी, बीजेपी का झंडा नजर आएगा। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह के एक जो उनका दीदार पाने के लिए यहाँ पर पिछले कई घंटों से करीबन 5:30-6 बजे से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच चुके थे। तमाम जो पत्रकार हैं वो भी उस टाइम पर पहुँच चुके थे लेकिन जैसे ही वो खबर मिली कि जो अमित शाह के आने का कार्यक्रम डिले हुआ है, बावजूद इसके जो बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं और उनके आगमन का इंतज़ार किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एयरपोर्ट में जो बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि अमित शाह के यात्रा से जो बीजेपी के लोग हैं वो कितने खुश हैं। और कल यानी शनिवार का दिन जो रहेगा वो चाईबासा में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लिहाजा शुक्रवार की शाम को ही वो पहुँच रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि उनका 6 बजे का कार्यक्रम निश्चित था लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया है। अब बताया ये जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उनका आगमन होने जा रहा है। बहरहाल जो भी हो लेकिन तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो खुश हैं और अपने वरिष्ठ नेता को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार ढोल नगाड़ों की आवाज़ अब सुन पा रहे होंगे किस तरह से तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे। Thank you.
गीता जी, इतनी ठंड में भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सब महिलाएं कितनी खुश हैं, उनका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए, हम लोग एक झलक देखें। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी तमाम जो महिलाएं हैं, महिला मोर्चा के लोग हैं, वो रुके हुए हैं, डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि वो अपने नेता के एक झलक पाने के लिए इस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और तमाम जो देखेंगे झारखंड का जो पारंपरिक नृत्य है उसको कहीं ना कहीं पेश किया जा रहा है, जो आदिवासी समुदाय की पहचान और शिनाख्त से जुड़ा हुआ मामला है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो ढोल लगाड़ू की थाप के साथ, मादर की थाप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। ठंड नहीं लग रही क्या सर? ठंड वगैरह है? भाजपा कार्यकर्ताओं को ठंड महसूस नहीं होती? ठंड तो नेचुरल फेनोमेना है, वो तो लग सकती है। जब ऐसा जोश और उमंग हो आप जो देख रहे हैं तो ठंड महसूस नहीं होती। राहुल गांधी को भी ठंड नहीं लग रही है? राहुल गांधी को भी ठंड नहीं लग रही है आप लोगों? राहुल गांधी को लगती होगी, हमें तो नहीं लगती। नहीं लग रही? जैकेट तो पहन रहे हैं आप? खोल दे। ये देखिए किस तरह से अभी चुके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बड़ा चर्चा है। लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भी अपने नेता के दीदार के लिए जब आना पड़ता है तो उस वक्त उनको ठंड महसूस नहीं होती है। जाहिर सी बात है, ये बड़ी बात है और तमाम जो पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने पार्टी के प्रति अपने संगठन के प्रति उत्तरदायित्व तो है और कहीं ना कहीं उसी कमिटमेंट के तहत तमाम जो लोग हैं यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। तमाम जो मंडल के लोग हैं, मंडल के लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि अब उसे बताया जा रहा है कि ये दरवाजा आप देख पाएंगे कि खुल गया, जो मुख्य द्वार होता है वो खुल गया और ये अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ से मूव कर रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से ये उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है और ये ब्लैक जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, ब्लैक गाड़ी जो नजर आ रही है, इस गाड़ी में ये देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से अमित शाह ने हाथ हिलाया है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है इस तरह से अमित शाह ने देर शाम ही सही लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंचे हुए हैं और तमाम ये अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो रहा है और बड़ी संख्या में उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से अमित शाह इतनी शाम को, अभी 9:30 का वक्त होगा, 6 बजे आने का वक्त था लेकिन अब पहुंचे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब देखिए कार्यकर्ता उनके साथ कहीं कहीं निकले हैं और ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से अमित शाह के प्रति लोगों का ये जो लगाव है। और चूँकि ये काफिला निकल चुका है तो हम दिखाएंगे किस तरह से जो बीजेपी की जो महिला नेत्री हैं वो लोग यहाँ पर डटी हुई हैं, तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं। तो तमाम जो लोग हैं अपने अपने तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से ये भरा हुआ था लेकिन जैसे ही ये खबर मिलती है कि अमित शाह के आने में देरी हो रही है तो उसके बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो जमाव है वो कम हो जाता है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह जो हैं वो झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच चुके हैं, रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने हाथ हिला करके तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया है और यहाँ से सीधे वो रेडिसन ब्लू होटल के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और कल यानी शनिवार का दिन जो होगा खास दिन होगा जब झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखें तो चाईबासा में उनका जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। और ये बताया जा रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या फिर आगामी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन तैयारियों को देखा जा रहा है। चूंकि 14 लोकसभा की सीटें हैं झारखंड में, 12 सीटों पर कब्जा ऑलरेडी है तो 2 सीटों पर और चाईबासा और राजमहल पर भी वो कब्जा हो यानी कि जीत हासिल हो तो कुल मिलाकर जितनी 14 सीटें हैं लोकसभा की तमाम सीटों पर बीजेपी काबिज हो इस बात की कोशिश की जा रही है और आगामी चुनाव में झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिले इस बात की भी कोशिश हो रही है। तो लगातार कहीं आप देख पाएंगे
जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये देखेंगे तो तमाम जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं वो कहीं न कहीं मीडिया से बातचीत कर रही हैं और कहीं कहीं बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से यहाँ पर तमाम चीज़ों, और ये देखिए किस तरह से तमाम जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं इस बात की खुशी जताई है। अमित शाह कोई बातचीत हुई देख पाए आप लोग? बस हम लोग दर्शन के लिए थे यहाँ पे, वो हम लोग को प्राप्त हो गया। जी जी, वो भी बहुत खुश थे, वो हाथ से वो दिखाए, वो बाय भी किया, हम लोग भी किए, बस यही हम लोग चाहते थे, वो हो गया। कड़ाके की ठंड का जो प्रतिफल वो मिल गया आपको? जी जी जी, एकदम मिला हम लोग को। ये देखिए बस एक अमित शाह का एक बार देख लेना ही तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है, ऐसा ये तमाम महिला कार्यकर्ता कह रही है। बहरहाल अब हमें और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।